बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। क्या आप जानते हैं कि थकावट या नींद का शिकार होने पर हमें जमाइयां क्यों आती हैं? और शुमाली कोरिया ने अपनी आवाम पर 11 दिन के लिए हंसने और शॉपिंग पर पाबंदी क्यों लगाई? और आज की वीडियो में आप एक ऐसी औरत के बारे में भी जानेंगे जो मुर्दार खाने की शौकीन है और अपने आप को केव वुमेन यानी गारों में रहने वाली औरत करार देती है। नाज़रीन, आज की वीडियो ऐसे ही फैक्ट से भरपूर होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए। मैं हूँ मुमताज और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स एंड आइडियाज, नए आने वाले मुअज्ज़ज़ मेंबरान को खुश आमदेद। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी आज की दिलचस्प वीडियो की तरफ। नंबर वन, नाज़रीन, दुनिया में कई किस्म की लाइलाज बीमारियां हैं जिनमें अक्सर का ना तो हमें नाम पता है और ना ही इनकी अलामत के बारे में हमें मालूम है। नाज़रीन, भारत में भी दो बहन भाई दो खतरनाक बीमारियों में मुब्तला हैं, जिसकी वजह से वो अपने माँ बाप से भी ज्यादा बूढ़े दिखाई देते हैं। ये दोनों बहन भाई भारतीय रियासत झारखण्ड में रहते हैं। 13 साल अंजलि और उनके भाई किशोर की उम्र सिर्फ 6 बरस है। दोनों ही लाइलाज बीमारियों कार्ड्स लेग्जा और प्रोजेरिया में मुब्तला है। डॉक्टर्स के मुताबिक ये दोनों बीमारियां पैदाइशी हैं जिनमें बच्चे शुरू से ही जयीफ दिखाई देते हैं और उन्हें बुजुर्गों वाली अंदरूनी बीमारियां भी लाहक होती हैं। यूं तो ये बच्चे आम जिंदगी गुजार रहे हैं लेकिन दर हकीकत उनकी जिंदगी शुरू से ही मुश्किलात का शिकार है। यही वजह है कि बच्चों को स्कूल में उनके जिल्द के बायस तंग किया जाता है और उनका मजाक भी उड़ाया जाता है। ताहम बच्चों के वालिद कहते हैं कि उन्हें अपने बच्चों की इस हालत पर कोई दुख नहीं बल्कि उन्हें अपने बच्चों पर फख्र है। नंबर टू, दोस्तों, शुमाली कोरिया वैसे तो अपने अजीबो गरीब कवानीन की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है लेकिन इस बार शुमाली कोरिया ने कुछ नया ही कर दिखाया है जिसे जानकर आप भी यकीनन हैरान हो जाएंगे। नाज़रीन, शुमाली कोरिया ने अपनी आवाम पर 11 दिन के लिए हंसने और शॉपिंग पर पाबंदी लगा दी है, जबकि इस दौरान वो शराब नोशी और ऐसी किसी तकरीब का हिस्सा भी नहीं बन सकते जिसमे वो हंसते हुए दिखाई देंगे। दरअसल शुमाली कोरिया के साबिक रहनुमा किम जोंग एल 17 दिसम्बर 2011 को 69 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए थे। उनकी 17 साल हुक्मरानी को शुमाली कोरिया की तारीख का तारीख तरीन दौर समझा जाता है। यही वजह है कि शुमाली कोरिया में किम जोंग एल की 10वीं बरसी पर शहरियों पर मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां आयद की गई हैं, जिन्हें किम जोंग एल की वफात के शोक के तौर पर मनाया जाएगा। 11 रोजा शोक में हंसने पर पाबंदी होगी। इस दौरान कोई शहरी शॉपिंग और शराब नोशी भी नहीं कर सकेगा, बसूरत दीगर इसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जबकि इस दौरान पुलिस को 1 माह की खसूसी ड्यूटी पर भी लगा दिया गया है की वो उन लोगों पर नजर रखे जो काफी परेशान नजर नहीं आते। नंबर तीन, दोस्तों, क्या आप दुनिया की पहली ऐसी मुनफरिद एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं जो आपके चेहरे को देखकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जिस्म में दर्द की शिद्दत का अंदाजा बआसानी लगा सकती है? जी हां दोस्तों, डेमेंशिया और दीगर मरीजों के लिए भी अब आम अफराद की तरह दर्द और तकलीफ का इजहार करना आसान हो गया है। नाज़रीन, ये मुनफरिद ऐप ऑस्ट्रेलवी कंपनी पेनचेक ने तैयार की है जिसमे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चेहरे के खदोखाल को देखते हुए दर्द की शिद्दत का अंदाजा लगाया जा सकेगा। ये ऐप अब तक पूरी दुनिया में 66,000 अफराद में तकलीफ के 1,80,000 नमूने जमा कर चुकी है। इस ऐप की खास बात यह है कि ये हर शख्स के दर्द को जांच सकती है, खुसूसन डेमेंशिया के मरीजों को जो बोलने से कासिर होते हैं और अपना दर्द किसी को नहीं बता सकते। इस ऐप को इस्तेमाल करने का तरीकाकार भी बहुत आसान है। कोई भी शख्स अपने स्मार्टफोन से मरीज के चेहरे की मुख्तसर वीडियो बनाता है और मरीज की हरकत, रवैये और गुफ्तगू के बारे में बताता है। इस दौरान ऐप चेहरे के पट्टों में खिंचाव और दीगर शवाहद का जायजा लेती रहती है। यहाँ आपको ये बताते चलें कि इस ऐप की तैयारी के लिए ऑस्ट्रेलिया ने 2012 में काम शुरू किया था जिसे अब एक तिब्बी आले का दर्जा मिल गया है। नंबर चार, दोस्तों, तस्वीर में नजर आने वाली बरतानवी खातून ने खुद को केव वुमेन यानी गार में रहने वाली औरत करार दिया है। वो खेमे में रहती है, मुर्दार जानवर खाती है और उनकी खाल से अपने जिस्म को ढांपती है। इस खातून का नाम सारा डे है। पेशे के लिहाज से 34 साल सारा डे बच्चों को तारीख और मुश्किल हालात में जिंदा रहने के तरीके सिखाती हैं, लेकिन वो खुद शहर छोड़कर जंगलात में जाती हैं और गाड़ियों की टक्कर से हलाक होने वाले जानवर उनकी गजा बनते हैं, जबकि वो जड़ी बूटियों से इलाज करती हैं और हैवानात की खाल से लिबास बनाती हैं। इन्होंने कबूतर के पर, खरगोश, गुलहरी और चूहे का गोश्त भी खाया है, जिनकी लाशें हफ्ते में 1 मरतबा मिल ही जाती है जो कारों की टक्कर से मर जाते हैं, लेकिन वो 24 घंटे से ज्यादा पुरानी लाश नहीं खाती। वो गर्म और हाल ही में
मारा हुआ जानवर खाना पसंद करती हैं। अगर कभी उन्हें हिरन की लाश मिल जाए तो वो इसकी खाल से अपने जिस्म को ढांपती हैं, जबकि जानवरों की हड्डियों को वो मुख्तलिफ औजारों और हथियारों में ढाल लेती हैं। दूसरी तरफ अगर उन्हें कोई जानवर ना मिले तो वो पौधे और जंगली फल खाकर गुजारा करती हैं। तहम उन्होंने खबरदार किया कि बाज फल और जड़ी बूटियाँ बीमार भी कर सकती हैं, इसलिए वो इनकी मुकम्मल मालूमात पर जोर देती हैं। फिर खांसी या बुखार और सर दर्द में भी वो जड़ी बूटियों से खुद अपना इलाज करती हैं। मसलन जंगली चेरी के दरख्त से हासिल होने वाली गोंद से वो गले की खराश और सर दर्द का इलाज कर रही हैं। सारा डे कहती है कि गारों में पत्थर के अहद की जिंदगी से उन्हें बचपन में ही मोहब्बत हो गई थी। अगरचे उनका घर शहर में है और वो स्कूल में पढ़ाती हैं, लेकिन ज्यादातर जंगल में ही रहती हैं। नंबर 5, दोस्तों जमाई आना एक मुतादी अमल है। अगर आप किसी को जमाई लेते हुए देखेंगे तो आपको खुद ब खुद जमाई आने लगेगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि हमें जमाई आखिर क्यों आती है? साइंसदानों का कहना है कि दिमाग के जिस हिस्से में आसाबी अफाल को मुनज़म करने की सलाहियत होती है, वहीं से जमाई का अमल भी वकूफ पजीर होता है। जबकि मुतादी जमाई इको फिनोमिना या गूंज के अमल जैसा ही है, जिसमें इंसान खुद ब खुद ही किसी दूसरे की आवाज़ या अमल की नकल करने लगता है। नाज़रीन, ये जानने के लिए कि इको फिनोमिना जैसी सूरत हाल में आखिर दिमाग में क्या चल रहा होता है, साइंसदानों ने रजाकारों का उस वक्त मुआयना किया जब वो दूसरों को जमाई लेते हुए देख रहे थे। तहकीक के दौरान कुछ रजाकारों से कहा गया कि अगर उन्हें जमाई आए तो वो जमाई लें, जबकि कुछ से कहा गया कि अगर उन्हें जमाई आए तो वो इस पर कंट्रोल करें और इससे गुरेज करें। नाज़रीन, माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि अभी तक उन्हें ये नहीं पता चला कि आखिर हम जमाई क्यों लेते हैं। अलबत्ता बहुत सी तहकीकात से लोगों की हरकत और सकनात और मुतादी जमाई के दरमियान राब्ते का पता चला है। एक तहकीक में ये बताया गया कि जब हम थके होते हैं या उकताहट का शिकार होते हैं तो आम तरीके से सांस नहीं लेते। इस दौरान हमारे जिस्म में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसे खत्म करने के लिए कुदरती तौर पर हमारा मुंह खुल जाता है, यानी जमाई आ जाती है, और हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर लेने की कोशिश करते हैं। इस तरह हमारे खून से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, जो कि एक सेहतमंदाना अमल है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की मुनफरिद वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।